भाई साहब इतनी ज्यादा आवाज कर रही थी, ये देखो पूरा हिल रहा है, पूरा मतलब पूरी इस पॉकेट का जो ड्रम है पूरा हिल रहा है कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम ये थी, जब बाइक को चला रहे थे तो बहुत ज़्यादा पीछे से खटाखट आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हमने इसका जो व्हील है व्हील खोला और व्हील खोलने के बाद इस ड्रम को चेक किया तो ये देखो पूरा ड्रम जो है हिल रहा कुछ इस तरीके से, ये यही जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था जब हम बाइक चला रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी। देखो पूरा लहर है इसमें, ये पूरा डग 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 हिल रहा है। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, देखो ये जो बोल्ट है पूरा लूज पड़ा है, तो इसे अगर मैं टाइट करता हूँ तो ये देखो टाइट होने के बाद ये स्लिप हो जाएगा, ये देखो स्लिप हो गया। तो ये कमी है, मतलब बोल्ट जो है टाइट नहीं हो पा रहा। इस वजह से क्या हो रहा है कि जब हम बाइक को चलाते हैं तो चैन एक तो लूज हो जाती है बिल्कुल, टाइट कराओ बोल्ट ढीला रहता है, मतलब टाइट होता ही नहीं ये वाला बोल्ट, तो लूज हो जाती है चैन और उस चैन की भी आवाज़ आने लगती है। और उसके बाद जो स्पॉकेट है, स्पॉकेट की ये ड्रम ये पूरा हिल डुल रहा है, तो इस वजह से इसकी भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ आ गई है। तो अभी जो है इसका जो हाफ एक्सल बैरिंग के साथ में निकल गया, हाफ एक्सल जो इसका पूरा ख़राब हो गया, इसमें हाफ एक्सल नया चेंज करना पड़ेगा। पहले इसे मैं निकाल लेता हूँ बाहर, ये फंस गया थोड़ा सा, इसको मारेंगे चोट और निकाल लेंगे बाहर। चलो इसको निकालते हैं, इसकी जो बैरिंग चेक कर लेंगे, बैरिंग में प्रॉब्लम हुई तो बैरिंग को भी चेंज कर देंगे। अभी इसकी जो डस्ट सील निकल गई, अब ये बैरिंग निकालना है, ये फंस चुकी है इसी में। चलो इस बैरिंग को निकालना है, रखना है, और अभी जो इसको हल्के हल्के से चोट मारना है, निकल जाएगी। ये देखो नहीं निकल रही, पकड़ लेती है उसको, हल्के हल्के से मैं चोट मार के इसे निकाल लेता हूँ घुमा घुमा के। चलो निकल रही है, निकल गई। तो ये रहा हाफ एक्सल, इसकी जो चूड़ी पूरी स्लिप हो चुकी है, इस वजह से चैन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मैं बाइक को चलाया था बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो इसकी स्पॉकेट बैरिंग बिल्कुल ठीक है, चेक कर लिया मैंने, सिर्फ हाफ एक्सल इसमें नया चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी जो बैरिंग है, बैरिंग क्लीन करके ग्रीस लगा के बैरिंग को बैठा दिया है, डस्ट सील लगा दिया है, ये इसका हाफ एक्सल। इस हाफ एक्सल में हमको जो चेक करना है, चलो मैं इससे पहले इसका जो बोल्ट है खोल लेता हूँ और चेक कैसे करना है वो बता देता हूँ। लगाने से पहले जो पुराना वाला है उसे दोनों को मिला लेना, नए और पुराने को। ये साइज बड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन जो पीछे का साइज है ये वाला, ये छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, पीछे वाला साइज। आगे वाला छोटा बड़ा है चलता है, लेकिन पीछे वाला नहीं चलेगा, ये प्रॉपर होना चाहिए। अब इसको फिटिंग कर देते हैं, इसी तरीके से चेक करना, हाफ एक्सल कभी भी लगाना चेक करके लगाना, वरना फंस जाओगे। तो ये यहाँ पे बैठाते हैं, फंस इसमें जाओगे कि जब व्हील को टाइट करोगे तो व्हील हो जाएगा जाम, जैसे ही बोल्ट टाइट करोगे व्हील का जो होता है 17 या 19 नंबर का, वो टाइट करोगे व्हील जाम होने लगेगा। हाफ एक्सल पीछे इसका छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, बस। तो इसका हाफ एक्सल लग गया, बैरिंग जो मैंने पहले ग्रीसिंग वगैरह करके बैरिंग को लगा दिया था, अब इसका हाफ एक्सल बैठाते हैं यहाँ पे, इसका ड्रम पूरा बैठा देते हैं, ये बैठ गया। अब जो है इसका चैन रजिस्टर लगेगा और बोल्ट टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें जो प्ले थी वो है या अब नहीं है, ख़त्म हो गई। देखना बिल्कुल नॉर्मल प्ले रहना चाहिए, ज़्यादा प्ले भी नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो रहती है वो नहीं रहना चाहिए। बोल्ट को टाइट करके इसकी जो चैन है, चैन को भी एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा, तो मैं चैन को भी एडजस्ट कर लूँगा, चैन बहुत ज़्यादा लूज है काफ़ी ज़्यादा। और इसकी जो इस पॉकेट है वो भी कट ही गई है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी नहीं आ रही थी जितनी आवाज़ चलाने पे आ रही थी, बहुत ज़्यादा। देखो ये बिल्कुल नॉर्मल सी प्ले, बिल्कुल ठीक। अब क्या करता हूँ, इसकी चैन वगैरह में एडजस्ट करके इसका व्हील जो है कंप्लीट फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद
दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है हाफ एक्सल इसका। तो हमने कंप्लीट कर लिया बाइक को, व्हील इसका टाइट हो गया, चैन भी एडजस्ट कर दिया है, और इसका जो प्रॉब्लम थी चैन आवाज़ की वो भी हो गई है सॉल्व, एक जरा से भी नहीं हिल रहा। देखो चैन की भी एडजस्टिंग कर ली है। तो ये बाइक हो चुकी है कंप्लीट। जब मेरे पास ये बाइक आई थी, जब मैंने इसे चलाया था, तो बहुत ज़्यादा इसके चैन से आवाज़ आ रही थी, पीछे से बहुत ज़्यादा खट 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 मच रहा था, और इसमें जो फॉल्ट था, जो प्रॉब्लम थी, वो मैंने आप लोगों को बताया, ये वीडियो में पूरी जानकारी दी। तो ये वीडियो कैसे रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।